ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोग अब अलग देश के भोजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें से एक इतालवी भोजन है जिसे पास्ता के नाम से जाना जाता है, जो भारत में बच्चों और युवा पीढ़ी के बीच लोकप्रिय हो रहा है। इसके डिमांड के बढ़ने के तीन प्रमुख कारण है। यह खाना बनाना आसान है, यह स्वाद में स्वादिष्ट है, हम न्यूट्रिशियस भोजन बनाने के लिए सब्जियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम मैक्रोनी के बारे में बात करेंगे, जिसे पास्ता भी कहा जाता है। पास्ता मार्केट में विभिन्न आकारों में उपलब्ध है और विभिन्न आकार के कारण उन्हें ना अलग नाम दिया गया है। पास्ता अब सभी किराने के दुकानों में उपलब्ध है, रेस्टोरेंट और यहाँ तक कि छोटे भोजन आउटलेट भी उनकी सेल करते हैं। लोग पास्ता खाना पसंद करते हैं और बढ़ती स्वास्थ्य चेतना को देखकर आप गेहूं के पास्ता को बनाना शुरू कर सकते हैं। लोगों की मांग को देखते हुए आप भी अपना पास्ता बनाने का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और इसे प्रतियोगियों से बेहतर बनाने के लिए आप इसे नवीन आकृतियों और अवयवों में बना सकते हैं, जो बाजार में अन्य पास्ता से बेहतर है। इसलिए मिडी यानी महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट पास्ता बनाने के व्यवसाय की जानकारी आपको दे रहा है। आइए देखें कि इस व्यवसाय के लिए आवश्यक मशीनें क्या है। पास्ता बनाने के लिए दो प्रकार की मशीनें उपलब्ध है। सेमी ऑटोमेटिक पास्ता मशीन, इसमें शामिल है बैच मिक्सचर, मैक्रोनी पास्ता मशीन, स्टैटिक ड्रायर। आप अपने बजट के अनुसार ऑटोमेटिक पास्ता मशीन भी खरीद सकते हैं। ऑटोमेटिक पास्ता मेकिंग मशीन, इसमें शामिल है स्क्रू कन्वेयर, ऑनलाइन मिक्सर, मैक्रोनी एंड पास्ता मशीन, वाइब्रोफीडर, स्टैटिक ड्रायर। आप इस बिजनेस को अपने बजट के अनुसार किसी भी पैमाने से शुरू कर सकते हैं, जिसके बाद आप इस व्यवसाय का आकार बढ़ा सकते हैं। अब देखते हैं कि इस व्यवसाय के लिए रॉ मटेरियल की क्या आवश्यकता होगी। मैदा और रवा। प्रोसेस। अब हम पास्ता बनाने की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको मशीन हॉपर में आटा या रवा लोड करना होगा। उसके बाद रवा या मैदा को स्क्रू कन्वेयर की मदद से ऑनलाइन मिक्सचर में 12 फीट से ऊपर स्थानांतरित किया जाता है। उसके बाद हमें रॉ मटेरियल के अनुसार मिश्रण में पानी भी डालना पड़ता है। 15 से 20 मिनट तक इसे मिक्स करने के बाद इस मिश्रण को पास्ता एक्सट्रूडर मशीन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। आप अपने अनुसार इस एक्सट्रूडर की गति निर्धारित कर सकते हैं। आप इस तरह के पास्ता या मैक्रोनी के मोल्ड को बदल सकते हैं जिसे आप इस मशीन में बनाना चाहते हैं। इसके बाद उत्पादित पास्ता या मैक्रोनी को वाइब्रोफीडर में एकत्रित किया जाता है। इस मशीन की मदद से उत्पादित पास्ता या मैक्रोनी बेस से चिपके नहीं रहते, जिसके बाद स्टैटिक ड्रायर की मदद से पास्ता या मैक्रोनी को ड्राई किया जाता है। मैक्रोनी को ड्राई करने के बाद मार्केट में बेचने के लिए पैक किया जाता है। पैकेजिंग मशीन की मदद से आप पास्ता और मैक्रोनी के छोटे बक्से बना सकते हैं और मार्केट में बेच सकते हैं, या तो आप इस प्रक्रिया को मैनुअल रूप से भी कर सकते हैं। इस तरह आप इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं। यदि आपको यह बिजनेस शुरू करने के लिए किसी भी जानकारी की आवश्यकता है और यदि आप इस व्यवसाय को स्थापित करने के लिए अधिक विवरण या कोई विशेषज्ञ सलाह या कोई फाइनेंशियल सहायता चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए वेबसाइट पर विजिट करें या नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अधिक व्यावसायिक वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मिडी उद्योग विश्व को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर सकते हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें।